ॐ दृष्ट ज्ञानाञ्जनशलाघया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय इष्टदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महाबलाय कृष्णप्रेमप्रदाय कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुलसे नमः हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धुजगद्पते गोपेश विभकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते तप्तकाञ्चनगौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वृन्दाय तुलसीदत्तै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्ति व्रजदेवी सत्यवतये नमो नमः श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी कमी यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। हम लोग श्रवण कर रहे थे गोपियाँ कृष्ण विरह में कैसे भजन गाते 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 कृष्ण कथा की महिमा को गा रहे हैं। पहले गतकल्ले हम लोगों ने श्रवण किया था श्रील जीव गोस्वामी ये तब कथा अमृतम श्लोकों की क्या महिमा बताए। आज हम सुनेंगे श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये श्लोकों को क्या व्याख्या करते हैं। बोले तब कथा अमृतम तप्त जीवन कभी भी रीतम कल्मषापम श्रवण मंगलम श्रीमदा ततम भूवि ठाकुर कहते हैं श्री ध्रुव महाराज जब भगवान को जब स्तुति कर रहे हैं भगवान की स्तुति करते करते जब भगवान ने कहा तुम मेरे से कुछ वर मांगो बोले प्रभु आप कृपा करके आपका भक्तों का संग्रह करो। भगवान ने कहा ध्रुव जी जब मैं स्वयं तुम्हें दर्शन दे दिया फिर मेरे भक्तों का संग्रह क्या जरूरत है। तो ध्रुव महाराज कहते बोले प्रभु आप तो आपकी कथा नहीं सुनाओगे ना लेकिन जब आपका भक्तों का संगम करेंगे आपकी भक्तों की मुखार बिंद से आपकी कथा रूपी मंदाकिनी की जो नदी बहती है अगर वो नदी में हम हर समय स्नान करते रहेंगे बस तुम्हारी महिमा सुनते 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 ये मन हर समय तुम्हारी भजन में लगा है। इसलिए हमें आपके भक्तों का संग प्रदान करो। तो उसी समय ध्रुव महाराज जी भगवत भक्त संग में जो भगवत कथा वो कथा की क्या महिमा है तब श्री ध्रुव महाराज जी कह रहे हैं बोले हे प्रभु कि तुम्हारी कथा श्रवण करके जीव को जो आनंद की प्राप्ति होती है बोले प्रभु
वो आनंद स्वर्ग में भी वो आनंद नहीं, वो आनंद स्वर्ग में भी नहीं। स्वर्ग में कितना आनंद है भले, ये पृथ्वी लोक में जितना आनंद है इससे 100 गुण ज्यादा आनंद कहाँ पर? कहते श्री स्वर्ग में। लेकिन कहते जो भगवत कथा में जो आनंद है, कहते प्रभु स्वर्ग में भी वो आनंद नहीं मिलता है। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी जब परीक्षित महाराज को भागवत कथा सुनाने जा रहे थे, तृषि करोड़ देवता स्वर्ग से उतर करके क्या लेकर के आए? बोले खाली हाथ में नहीं, कथा सुन के, तो कथा सुनने के लिए कुछ लेकर के आए। बोले क्या? बोले स्वर्ग का अमृत लेकर के आए। बोले हे सुखदेव गोस्वामी लो ये पूरा के पूरा स्वर्ग से पूरा अमृत कलश लेकर के आए, पूरा अमृत कलश ले लो, और ये अमृत कलश ले लो और उसका विनिमय में हमें थोड़ी सी कथा सुना दो। बोले स्वर्ग की महिमा क्यों? बोले इसीलिए स्वर्ग की महिमा है, वहां पर अमृत प्राप्त होता है, हैं? अमृत पान करते हैं, वहां अमृत पान करते हैं। लेकिन श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं को कथा को, हाँ, को अमृत लोके, तब उन्होंने बोले कहा तुमने इस स्वर्ग का अमृत तो तुच्छ अमृत है, को काच को मणि मान। वो उदाहरण दे रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति एक कांच की टुकड़ा लाए, बोले ये कांच की टुकड़े ले लो, आपको पास में जो मणि वो मणि दे दो, कोई देगा तुम? कोई नहीं देगा। इसलिए कहते जो भगवान की कथा वो कथा नहीं, वो तो मणि सदृश है, लेकिन जो स्वर्ग का जो अमृत है उदाहरण देते हैं, ये एक कांच की सदृश है, कोच कांच को मणि मान, हैं? को मणि मान। तो यहाँ पर प्रश्न आता है, भैया क्या स्वर्ग अमृत का कोई महत्व नहीं है? कोई महत्व नहीं? बोले नहीं, स्वर्ग अमृत का भी बड़ा महत्व है, क्योंकि देवताओं को ये स्वर्ग अमृत को पाने के लिए बड़ा कष्ट करना पड़ा। पहले तो मंदाचल पर्वत को ला रहे थे, हैं? उसको रई बनाने के लिए, दंड बनाने के लिए, लेकिन लाते लाते बीच में गिरा है ना, कितने देवता दैत्य तो मारा गए। फिर भगवान हरि अवतार ग्रहण किया, फिर मंदाचल पर्वत को गरुड़ का पीठ पर रख करके फिर लेकर के आए, हैं? इसलिए भगवान को वो अमृत को पाने के लिए भगवान को चार चार अवतार लेना पड़ा। कितना अवतार? सब कथा बोल लिखना। इसलिए कथा अमृत का क्या महत्व है? इसलिए पहला अवतार हरि अवतार, बोले दूसरा अवतार जब फिर मंथन हुई पर्वत धीरे 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 अंदर से समुद्र का अंदर में धसने लग गया, सबके सब भगवान से प्रार्थना किया, तो भगवान कूर्म अवतार धारण करते हुए अपना पीठ के ऊपर में पर्वत को धारण किए। फिर जब मंथन हुई फिर धन्वंतरी भगवान का अवतार है, धन्वंतरी अमृत कलश लेकर के उठे, इतने में दैत्य लोग तो छीन लिए। भगवान ने सोचा अगर दैत्य लोग छीन लेंगे तो फिर ये तो अमर हो जाएंगे, फिर दुनिया की अशांति है। भगवान फिर मोहिन अवतार लिया, फिर वो अमृत को लेकर के देवताओं को प्रदान करते हैं। इसलिए भगवान को चार चार अवतार प्राप्त करना पड़ा, हाँ, ये अमृत को प्राप्त करने के लिए। इसलिए ये अमृत साधारण बात नहीं। कहते कुंभ मेला होता है, भारत में कुंभ मेला चार जगह पर होता है, एक हरिद्वार, एक नासिक, एक उज्जैन और एक है इलाहाबाद, हैं? इसलिए और श्री वृंदावन में अर्ध कुंभ होता है। बोले भैया क्यों ये कुंभ मेला होता है? जिस समय गरुड़ ने अमृत लेकर के आया था वो अमृत कलश को उन्होंने चार जगह पर रखा था, जिस वृक्ष को ऊपर रख लिया था अभी भी वो वृक्ष जिंदा है, हैं? इसलिए हजार लाख लोग आते हैं कुंभ मेला में, जब भारत में कुंभ मेला हजार, बोले क्यों? केवल वो अमृत कलश रख लिया इसलिए इतना महत्व है, लेकिन देवता लोग पूरा के पूरा अमृत कलश लेकर के आए। बोले लो पूरा के पूरा ये अमृत कलश ले लो, लेकिन इसकी विनिमय में हमें थोड़ी सी भगवान की कथा सुना दो। लेकिन सुखदेव गोस्वामी भगा दी, बोले आ गई यार कथा सुनी, हैं? बोले बड़े तुम लोग बड़े मतलबी हो, स्वार्थी हो, हैं? केवल स्वार्थ सिद्धि करना जानते हो। इसलिए यहाँ पर कहते बोले हे प्रभु तुम्हारी कथा में जो आनंद है
कतो आनंद स्वर्ग में भी वो अमृत पी करके भी स्वर्ग में वो आनंद नहीं, भले स्वर्ग अमृत को छोड़ दो, स्वर्ग अमृत को छोड़ो, कहते तुम्हारी कथा में जो आनंद है मोक्ष में भी वो आनंद नहीं मिलता है, हैं? मुक्ति में भी वो आनंद नहीं। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, भले हे प्रभु कृष्णानंद जे आनंद सिंधु कोटि ब्रह्मानंद नहीं तार एक बिंदु। मतलब कृष्ण भक्ति रस में जो आनंद है, कृष्ण कथा में जो आनंद है, कहते एक ब्रह्मांड का बात छोड़ दो, बोले करोड़ों ब्रह्मानंद मिला करके भी ये कृष्ण प्रेमानंद को सामने उसको बराबर नहीं कर सकते हो। इसलिए सुखदेव गोस्वामी चतुसन शंकर ये लोग भी पहले उसी मोक्षानंद में डूबे हुए थे, लेकिन कुर्बन अहित की भक्ति इतम भूत गुण हरि, हरि का जो गुण महिमा में इतने आनंद है, इसमें इतने आनंद है कि तो उन लोगों ने सब छोड़ करके भगवान की कथानंद में, भगवान की प्रेमानंद में ये सब के सब डूब गए। इसलिए कहते हैं प्रभु तुम्हारी कथा में जो आनंद जो रस है ना, वो स्वर्ग अमृत भी नहीं, वो अमृत मोक्षामृत भी नहीं। इसलिए श्री पृथ्वी महाराज जी कहते हैं, बोले तुलयाम लग्नापि न स्वर्ग न अपुनर्भव भगवत भक्त संगस्य मर्त्यानाम किम उदासीस। इसलिए श्री पृथ्वी महाराज जब चतुर्सन आए थे, बोले प्रभु करें जो तुम्हारी जो कथा में जो आनंद जो वैष्णव संग में है, कहते हैं कहते तुम्हारी जो भगवत भक्तों का संग है उसको साथ में इतने आनंद है, बोले तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुला एक अंग। कहते एक तराजू लेकर के स्वर्ग आनंद मुख्य आनंद को तराजू का एक तरफ में रख लो, तराजू के दूसरे तरफ में साधु संघ का एक लव बाहरी कथा की एक लव फल रख लो, बोले इसको साथ में बराबर नहीं कर सकते हो। इसलिए यहाँ पर कहते हैं प्रभु जो आनंद तुम्हारी कथा में वो आनंद कहीं भी वो आनंद नहीं। इसे काल विपत स्वर्ग, इसलिए कहते जो स्वर्ग है, हैं कभी जो स्वर्ग है उसमें क्या हो सकता है, क्योंकि कब तक ये स्वर्ग में रहते हैं, बोले ताबत समुदत स्वर्ग जावत पुण्यम न समापते, बोले तब तक ये स्वर्ग में रहते हैं जब तक उसको पुण्य खत्म नहीं हो जाता, लेकिन न पुण्यम पुण्य समाप्त होते ही उनको स्वर्ग त्याग देना पड़ता है, तो स्वर्ग छोड़ करके फिर इसी मर्त्य जगत में आना पड़ता है फिर। लेकिन जो तुम्हारी कथा मृत्यु का पान करते हैं कभी फिर संसार में आते ही नहीं। इसलिए जेहेतु जीवे अशुभ समल नष्ट करिया परम निर्भित प्रद हया था कि स्वर्गामी तो मुखामृत कीर्तन है ना। यहाँ पर कहते जो भगवान की जो कथा श्रवण करते हैं, कथा श्रवण से क्या होता है, जीवन का जितने अमंगल है, कितना श्रवण मंगलम, कद भगवान जीवन का जितने अमंगल है, मंगल उदय होता है अमंगल दूर होता है, अमंगल दूर होकर क्या होता है उसको चिरकाल के लिए उसको भगवत धाम की प्राप्ति होती है। लेकिन इस स्वर्गामृत पान करने से क्या होता है, बोले प्रभु ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता है, अर्थात केवल मात्र करनागत है लो स्वर्गामृत मुखामृत कहा रहो कौन मंगल उत्पादन करते पारे ना। केवल हम सुनते हैं अरे स्वर्ग में जाएंगे अमृत पान करेंगे, रंभा उर्वशी मेनका कितने सुंदर सुंदर स्त्रियां उनका साथ में विहार करेंगे, कर जो स्वर्ग अमृत केवल सुनने के लिए अच्छा लगता है, हैं? केवल सुनने के लिए अच्छा लगता है कि तत्वतः तहा प्राप्त नहीं होता है, केवल सुनने के लिए अच्छा लगता है, ब्रह्म से पापादि उत्पादन कर जाता है। कहते जो स्वर्ग का अमृत पान करते हैं, स्वर्ग का अमृत पान कर क्या होता है, बोले पाप ही पाप होता है, बोले क्या पाप, बोले समृद्ध स्वर्ग में जो रहने वाले जो देवता लोग है बड़े घमंडी होते हैं, बड़ा अभिमान होता है, बड़ा अभिमान बड़े घमंडी होते हैं, कभी कभी ये लोग साधु संतों का अनादर करते हैं,
हैं, जैसे नल कुबेर और मुनि गिरी, जब से नारद जा रहे थे क्या कर रहे थे, शराब पी करके नंगे हो करके स्वर्ग के अप्सरियों को लेकर के जल विहार कर रहे थे। जब उधर से श्री नारद मुनि आए, उनको देख करके अनादर किया है? लेकिन वो जो लड़कियां निकल करके कपड़ा पहने करके तो पेड़ की आड़ में छुप गए, लेकिन ये दोनों अब हाड़ फाड़ देख रहे हैं। बाबा कोई काम धाम नहीं है, रास्ता इधर ही मिल गया, हमारे रंगवत में भंग कर दिया और किधर से जा नहीं सकता। नारद जी ने देखा कहां कुबेर का बच्चे है, कहां स्वर्ग के देवता, और देखो क्या पाप काम में लिप्त है। और कोई साधु आ गए ना, जैसे तुम नंगे हो ऐसे ही वृक्ष जन्म को प्राप्त कर, नंगे रहो, उनका सारे नशा उतर गया, जितने सारे नशा तो सारे उतर गया। इसलिए कहते स्वर्ग अमृत पाने से उन्माद अभिमान अहंकार आता है। कहते श्री भागवत में आता है, बोले एक समय श्री देवल मुनि पानी में तर्पण कर रहे, पानी में तर्पण कर रहे थे, पानी है सूर्य देवता को दे रहे थे। इतने में स्वर्ग के में दो देवता, दो जोकर हैं, हा हा और हो हो, हा हा और हो हो, ये दो गंधर्व है। कहते ये स्वर्ग के जोकर हैं। तब उन्होंने जोकर क्या कर, दूसरों को हंसाते हैं, वे देवता को बुलाओ अब आज हम हंसाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, और इसी सूर्य को तर्पण का पानी दे रहे थे, जैसे मगरमच्छी है ना, दोनों ऐसे ऐसे नीचे नीचे गए और देवल ऋषि की प्यार को ऐसे पकड़ कर खींच लिए। जो खींच लिए वो तो डर गए, शायद कोई मगरमच्छी मेरे प्यार को खींच लिया, हाँ कोई मगरमच्छी ने। तो उन्होंने जो आँख खोल कर देखा, फिर उन्होंने अंदर अंदर में थोड़ी दूर गए और उसने खड़े हा 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 हा, और सारे देवता लोग उसको देख करके ना हंस रहे थे। ऋषि को बड़ा क्रोध आए, बोले ऐसे देवता हो करके संतों को साथ में भी ऐसे हंसी दिलाई करते हो, बोले जाओ तुम दोनों को हम तुमको अभिशाप देते हैं, आहो गंधर्व एक ही गंधर्व, इसलिए अभिशाप देता हूँ। बोले क्या, तेरी जो व्यवहार मगरमच्छ क्रोकोडाइल जैसे, इसलिए तुम अगले जीवन में क्रोकोडाइल बनकर गिरा, गंभीर बनकर गिरा। वो बोलते ही है ना, वो धीरे 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 वो कुंभीर बनना शुरू हो गया, क्रोकोडाइल बनना शुरू हो गया, उसका सारी नशा उतर गई। बाबा के चरण में जाकर गिरे, माफी मांगे, अपराध हो गया माफ कर दो। चले जाओ भगवान की कृपा से, जो हाथी का चरण पकड़ोगे, वो हाथी भी पूर्व जन्म में श्री इंद्रदुम्न राजा थे, उन्होंने अगस्त ऋषि को उन्होंने आदर नहीं दिया, उनकी अभिशाप से ये हाथी बने थे। जब उन्होंने उनका चरण पकड़े ना, जो चरण पकड़े तो इनकी उद्धार हुआ, भगवान इनकी उद्धार किए है। कहते ये स्वर्ग अमृत को पान करने से क्या होता है, बोले शरीर में मादक, शरीर में अभिमान, शरीर में अहंकार इनको आती है, लेकिन कथा अमृत पान करने से भगवान की कथा मृत पान कर से दीन हीन शांत शिष्ट ये दीन ये स्वभाव आता है। हरे कृष्ण। इसलिए यहाँ कहते तुम्हारी जो कथा है आश्रय नाश कर ले हो, केवल मात्र स्वर्ग पापा जी नाश कर लो प्रार्थन। तुम्हारी जो कथा है वो क्या करता है, कद जो मुख्य है वो क्या करता है, कहते एक प्रारब्ध और एक अपरारब्ध, एक प्रारब्ध और एक अपरारब्ध। प्रारब्ध मतलब होता है, कहते जो अपरारब्ध मतलब होता है पहले जो पाप किया अभी तक तुम्हारी वो पाप शुरू नहीं हुआ। अब प्रारब्ध मतलब होता है पहले तुमने जो पाप किया है, हैं? जो पाप किया अभी जो जीवन में हम जो भोग रहे हैं वो क्या भोग रहे हैं, ये पूर्व जन्म का कर्म का फल पाप हम भोग कर रहे हैं, हैं? कहते जो मोक्ष मृत है, कहते ये
कहते ये अपरार्ध तब तो नष्ट करता है, लेकिन जो प्रारब्ध जो पहले का जो पाप है हैं, इसलिए अभी जो पाप हम भोग कर रहे हैं ना, कहते उसको भोग खत्म नहीं कर सकता है, उसको खत्म नहीं कर सकता है हैं। मुक्ति भी बड़े से बड़े ज्ञानी होने पर भी कहते उनको प्रारब्ध कर्म को, पूर्व जन्म किया हुआ कर्म को उसको नष्ट नहीं कर सकते, भोगना पड़ेगा। लेकिन कहते जो भगवान की जो कथा अमृत है वो क्या करता है हैं, कहते केवल कहते जो भक्ति का तीन स्टेज है हैं, पहले जो स्टेज है साधन स्टेज है भाव और कहते प्रेम। केवल साधन अवस्था में ही जब भक्त साधन करता है, वो साधन अवस्था में ही वो क्या करता है, कहते तुम्हारी जितने पूर्व जन्म का पाप, जितने अप्रारब्ध जो प्रारब्ध नहीं हुआ, जो प्राप्त करने का जो वासना है, जो कूट भी, इस सब के सब के लिए खत्म कर देता है। क्या मतलब भगवान की कथा, भगवान की भक्ति, ये सब चीज को ये खत्म कर देता है। इसलिए कहते कथामृत श्रवण मात्र से कल्याण मंगल प्रेम परिजनम, मतलब कथा सुनने से क्या होता है, मतलब श्रवण मंगलम, कथा सुनने का मात्र से ही तुम्हारे जीवन में मंगल मंगल होगा। और क्या होगा, कथा सुनने पर, कथा सुनते 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 सुनते, इसलिए भगवान कपिलदेव अपना माँ को कहते हैं, बोले माँ सतांग प्रसंगात मम बीर्ज संविदौ भवन्ति हृत्कर्ण रसायन कथा ताजो सन आसु अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति। बोले माँ मेरी कथा अगर सुनोगे ना साधु संघ में क्या होगा, बोले कथा बड़ा बलवान कथा है, ये कथा सुनने से आप कहते हैं अपवर्ग वर्तमनि, प वर्ग मतलब प ह ब भ और म, प मतलब परिश्रम, ह मतलब भय, ब मतलब व्यर्थता, भ मतलब भय, म मतलब मृत्यु। बोले माँ अगर तुम कथा सुनोगे ना, मेरा जो कथा ये सारी प वर्ग को खत्म कर देगा, नष्ट कर देगा। और धीरे धीरे श्रद्धा, कथा सुनते सुनते पहले श्रद्धा होगा, उसके बाद धीरे धीरे रति होगी, और उसके बाद में धीरे धीरे प्रेम होगा कथा सुनते सुनते। इसलिए कथा क्या करता है, कहते भगवत प्रेम को, प्रेम मतलब भगवत दर्शन करा देती है कथा। कहते जो कथा कथा है, कहते ये कथा की महिमा सर्वत्र है। बोले स्वर्गे सत्य च कैलासे, भगवान कथा में स्वर्ग में भी है, ये ब्रह्मलोक में भी है, कैलाश लोक में भी है, ये गोलोक वृंदावन में, अयोध्या में भी कथा है। लेकिन मुख्य जो मुख्य का कहीं नहीं, वो मुक्ति लोक में केवल थोड़ी सी है, हैं? वो भी तेसाम अभ्यस्त चेतसाम अभ्यस्तम ही गति दुखो, वहां पर भी जिसको मुक्ति मिला सैन से ही नहीं, पड़ा पत्थर जैसे पड़े हुए रहते हैं, केवल वही लोग तक, और नहीं, और कहीं नहीं है मुक्ति की महिमा। लेकिन भगवान की कथा की महिमा सर्वत्र, भगवान की कथा की महिमा सब जगह में, भगवान की कथा की महिमा है सर्वत्र। जरा कथा मृत श्रवण कीर्तन करे तार भुरीदा, कभी जो व्यक्ति भगवान की कथा सुनते हैं और जो कीर्तन करते हैं ना, जो सुनते भी वो भी बड़ा सौभाग्यवान, और जो भगवान की कथा को बोलते हैं वो भी सौभाग्यवान, और जो भगवान की कथा को प्रश्न करते हैं वो भी सौभाग्यवान। इसलिए भागवत में बताया तीन गंगा है, कितने गंगा है, तीन गंगा। बोले कहाँ कहाँ पर, बोले एक स्वर्ग में मंदाकिनी, दूसरे में पृथ्वी लोक में भागीरथी, और पाताल में भोगवती। कभी तीन गंगा तीन लोगों को पवित्र करती है, तो उसी तरह कृष्ण कथा भी तीन लोगों को पवित्र करती है। बोले किसको किसको, बोले जो बोलते हैं, जो सुनते हैं, और जो प्रश्न करते हैं। कहती है तीन गंगा जैसे तीन लोगों को पवित्र करती, कृष्ण कथा भी तीन लोगों को कृष्ण कथा पवित्र करती है। इसलिए कहते जो भगवान की कथा है ना, जो लोग हमें कथा सुनाते हैं, हम लोग बहुत ऋणी हैं उनके पास। कहते इसका जो ऋणी है ना, हम कभी भी कृष्ण कथा जो देने वाले का ऋणी कभी हम चुका नहीं सकते हैं।
हम हर समय उनकी ऋणी ऋणी बन जाते हैं। कुछ भी दो, हमें जो भगवान कथा जो सुनाए, भगवान की भक्ति में जो लाए है ना, हम सोचेंगे अरे ठीक है, हम कुछ चीजें उन्हें कुछ चीज दे करके उनने जो कथा सुनाए बस हम ऋणी को शोधन करते हैं। नहीं, कभी भी हम उनका ऋणी कभी चुका ही नहीं सकते हैं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं जरा कथा श्रवण कर, तुम्हारा कथा यदि तुम्हारे दर्शन संगे पाओ जाए मधुर है। कहते ये गोपियां कह रहे हैं श्याम सुंदर, अगर तुम्हारी कथा में इतना महिमा, कथा इतना मीठा, इतना महिमा, अगर तुम्हारी कथा भी हो जाए और तुम्हारे दर्शन भी हो जाए, आनंद ही आनंद है। कथा सुनना और कृष्ण दर्शन करना, अगर ये दो चीज हो जाए तो बस हमारे जीवन तो धन्य हो जाएगी। नतुबा बड़ा अनर्थ होगा। गोपियां रो रो कर कह रही ना, इसलिए श्याम सुंदर, इसलिए एक बार हमें दर्शन दे दो। कहते ये एक अर्थ है, तभी सुना चुके ठाकुर। और ये सबसे जो बढ़िया अर्थ है जो ये अभी जो अर्थ जो बोलेंगे, कहते ना एक तो उनकी महिमा है एक तरफ, दूसरे तरफ में ताना मारते हुए हैं। एक अर्थ हो गया प्रभु तब कथा मृतम तप्त जीवनम कभी विदीरितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुविर्णन्ति ते भूरिदाजन। एक तो उनकी महिमा युक्त हो गया एक तरफ, अभी उनकी जो कथा है कहते ये बेजस्तुति, बेजस्तुति मतलब होता है ऊपर से लगता है जैसे वो निंदा कर रही है, ऊपर से ऐसे लगता है लेकिन अंदर से ना बड़ा प्रेम है, अंदर से बड़ा प्रेम, बड़ा मधुर है। तो उसका अर्थ कह रहे हैं बोले कथा कथई व मृत्यु मरणम मित्यर्थ। कोई कहता है भैया तुम्हारी कथा है श्याम सुंदर, तुम्हारी कथा सुनने से क्या होता है, हैं श्रवण मंगल तब कथा अमृतम। यहाँ पर दूसरे अर्थ कहते बोले कौन कहता है तुम्हारी कथा अमृत है, भैया कृष्ण कथा का मत सुना करो, उसको जो सुनेगा मरेगा, हाँ वो मरेगा, तरेगा नहीं वो मरेगा। इसलिए बोले क्यों मरेगा, तुम्हारी कथा सुनने से हृदय में तुम्हारी प्रति जो विरह है ना, विरह तुम्हारी प्रति विरह रूपी अनल प्रकट होता है तुम्हारी कथा सुनने से है? जैसे देखो तुम लोग कथा सुनते हो, कथा सुनते हो तो सबरे इस अब जो लोग सोए हुए होंगे लेकिन सबरे देखना जो सबरे का जो नींद है ना बहुत अच्छा नींद होता है, रात भर सबर करने की सबसे बढ़िया नींद होता है ना। लेकिन देखो तुम लोग कथा सुने तो क्या हुआ, तुमको पागल बनाया, कल प्रोग्राम में गए थे हाँ, कितने बजे घर में जा गए, कितने बजे सोए, 12 बजे 1 बजे सोए, 1 बजे सोए और सवेरे 5 बजे उठ गए और नहा धो करके अरे भले हैं। इसलिए कथा नहीं सुना तो भाई चैन था, जब से कथा सुनना तो बेचैन से कब चलेगी कथा सुनने के लिए, आरती होगी, माता जी के घर में चलो जल्दी।